एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ क्यों नहीं हुई। एयरसेल मैक्सिस डील में चिदम्बरम का नाम चार्जशीट में भी होने के बावजूद पूछताछ नहीं की गई। कोर्ट ने अगले गुरुवार तक सीबीआई से जवाब मांगा है। और इस मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखिए, ऐसा है कि एक भारतीय 100% भारतीय कंपनी थी एयरसेल नाम से, जो शिवशंकरन उसका मालिक थे, और उस पर जबरदस्ती करके उसको डरा के धमका के उसका कोई काम ना हो सरकार का, ये सब करके मारन ने इसको मजबूर किया कि तुम अपनी कंपनी को, एक मलेशियन कंपनी जो लिटे का साथ संबंधित है, उस अनंत कृष्णन उसका मालिक है, उसको बेचो। हमारे देश की जो विधि है या कानून है, उसके अनुसार कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी से इसमें 74% से ज़्यादा शेयर खरीद नहीं सकती। लेकिन ये मैक्सिस का जो मालिक था उसने कहा नहीं, मैं तो 100% खरीदूँगा। तो चिदंबरम की कुकर्म से एक झूठा कंपनी बनाई गई थी, भारतीय महिला को उसमें बिठा दिया, उसको टेलीकॉम के बारे कुछ पता नहीं, और इस कंपनी को मैक्सिस ने ही पैसा देकर बाकी 26% खरीदा, और वो होने के बाद चिदंबरम को ये जानते हुए उसने दस्तखत किए, और ये भी जानते हुए कि 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा कोई भी सेल हो, जैसे इसमें तो एक 5,000 का करोड़ का सेल है, उस 600 से ज़्यादा है तो कैबिनेट की अनुमति की आवश्यकता है। उसने कैबिनेट की जो ये नियम है इसका लापरवाही करते हुए, और ये जानते हुए है कि ये 100% इसने खरीद लिया है।